नमस्कार, मैं अभिनीत सिंह, आप देख रहे हैं आंखों देखी। बोधगया और महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार की पुलिस इन दिनों काफी अलर्ट हो गई है। यही वजह है कि बीते डेढ़ घंटे से पटना से आए एडीजी स्पेशल ब्रांच बच्चू सिंह मीना पिछले एक घंटे से महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को लेकर की गई चकाचौंध सुरक्षा व्यवस्था की हर एक बिंदु की जाँच में जुटे हैं। वह महाबोधि मंदिर में प्रवेश से लेकर निकासी और सुरक्षा पोस्टों व जांच की प्रक्रिया से जुड़े हर एक सवालों का जवाब अपने मातहतों से पूछ रहे हैं। साथ ही जहां पर उन्हें जरूरत समझ में आ रही है उन बिंदुओं को कलमबद्ध भी कर रहे हैं। हालांकि एडीजी का आगमन दोपहर 3 बजे का ही था, लेकिन बारिश की वजह से वह शाम करीब 5 बजे बोधगया पहुँचे। उनका काफिला शाम 5 बजे महाबोधि मंदिर परिसर के बाहर रुका। वहां से पैदल ही चल महाबोधि मंदिर परिसर के मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। रास्ते में एक एक कोने पर रुके और अपने मातहतों से समझ तमाम सवाल दाग दिए। उनके सवालों का जवाब देने में पुलिस के अफसर जुट गए। सवालों का जवाब देने में पुलिस अधिकारी अपने हाथों के इशारों से दिशा बताते हुए उन्हें सुरक्षा की बारीकियां बताने में जुट गए। करीब 10 मिनट तक यहां सवाल जवाब होता रहा। इसके बाद वह महाबोधि मंदिर के मुख्य गेट पहुंचे और स्कैनर की जांच की। स्कैनर से विभिन्न प्रकार के गट को रख जांच की। साथ ही उन्होंने सुरक्षा में जुटे अधिकारियों व जवानों से सवाल पूछा कि आप दूर से कैसे पहचानोगे कि कोई व्यक्ति संदिग्ध नजदीक आ रहा है। इस पर उनके महंतों ने सख्त करने के पारंपरिक तरीके व उसकी गतिविधियों के बाबत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने यह पूछा कि लोगों की जमा तलाशी कैसे व कितनी बारीकी से यहां ली जाती है। इसका भी जवाब उन्होंने अधिकारियों द्वारा दी गई। इस दौरान एडीजी ने भी अपनी ओर से सुरक्षा से संबंधित बेसिक टिप्स अधिकारियों को दिए। फिलहाल वह मगध रेंज के आईजी, गया एसएसपी, सिटीएसपी, स्पेशल ब्रांच व सीआईडी के अफसरों के साथ बीटीएमसी में बैठक कर रहे हैं। महाबोधि मंदिर परिसर की सुरक्षा निरीक्षण के दौरान किसी भी मीडिया कर्मी उनके नज़दीक नहीं आने दिया गया। मीडिया कर्मियों ने दूर से ही उनके निरीक्षण पर अपनी पैनी नज़र जमाए रखी।